हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आपके सामने कर देखने की आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है टॉप 10 रेलवे स्टेशन व्हिच हैव एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज। आगे कुछ हिंदी में भी लिखा है, हाईटेक किस्म के जो रेलवे स्टेशन है उनके बारे में। एनी गेस एयरपोर्ट के बारे में पता है, रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे नहीं पता। सो लेट्स सी रेलवे स्टेशन कौन से हैं जिनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी हुई है कि इनको एयरपोर्ट के साथ कंपेयर किया गया। इंडिया में एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज तो ज्यादा नहीं कर रहे। ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट? दोस्तों, वर्तमान समय में हमारा देश भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। देश के हर कोने में हम आधुनिकता की झलक देख सकते हैं। अब देश के रेलवे स्टेशनों को ही ले लीजिए, वो जमाने गए जब भारत के रेलवे स्टेशन कच्चे बिना बिजली के होते थे और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती थी। दोस्तों, आज तो देश में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिनको देखकर आपको एयरपोर्ट की याद आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 10 सोलापुर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र का सोलापुर रेलवे स्टेशन आपको कोई एयरपोर्ट से कम नहीं लगेगा। पिछले कुछ सालों में किए गए इसके सौंदर्यकरण और पुनः निर्माण के बाद इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरा रेलवे स्टेशन LED लाइट से चमचमाता हुआ दिखता है। चारों तरफ की सफाई में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। स्टेशन पर जगह जगह नए जमाने के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आपको दिख जाएंगे जो यात्रियों को ट्रेन की हर जानकारी देते रहते हैं। अरे इतने में खुश मत होइए, सरकार ने इसे अभी और भी सुंदर बनाने की बात कही है और उसके लिए बजट भी रख दिया है। 9 लोकमान्य तिलक टर्मिनस। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में आपको एयरपोर्ट की ही तरह हर सुविधा मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि पहले इस रेलवे स्टेशन को कुर्ला टर्मिनस भी कहते थे। इस रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एस्केलेटर्स और भी ना जाने क्या क्या। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो ना केवल बारिश के समय ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लेता है बल्कि बाढ़ जैसी स्थिति में भी रेलवे स्टेशन के काम को रुकने नहीं देता। 8 होजाई एंड लंका रेलवे स्टेशन। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में अविश्वसनीय बदलाव आए हैं और इसकी बेहतरीन उदाहरण है होजाई और लंका रेलवे स्टेशन। जरा देखिए इन रेलवे स्टेशनों की कान से बनी चमकती हुई इमारतें, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगती। यहां हर सुविधा विश्वस्तरीय है। नए LCD डिस्प्ले, रेस्टोरेंट्स, वेंडिंग मशीन्स, लॉन्च, विशालकाय ब्रिज और भी ना जाने क्या क्या। अगर आप उत्तर पूर्व की सैर करने जाएं तो इस रेलवे स्टेशन को देखने जरूर जाना। और हाँ, हमारे चैनल पर देश विदेश की ट्रेनों से जुड़े और भी दिलचस्प वीडियोस उपलब्ध हैं। इनके लिंक आपको नीचे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 7 श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर के कटरा में बने इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगना तो लाजमी है। और दोस्तों, इन भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ आकर आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी। जगह जगह पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए हुए हैं। वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियास, VIP लॉन्च, बुक स्टॉल, टी स्टॉल और शॉपिंग मॉल भी हैं। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस एयरपोर्ट पे जरूर जाएं। ओ, मेरा मतलब है रेलवे स्टेशन जाकर इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। 6 लमडिंग रेलवे स्टेशन। असम के होजाई जिले के लमडिंग रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। बहुत सालों से रेलवे स्टेशन आधुनिक दुनिया से जुड़ना चाहता था, विकास चाहता था। हाल ही में हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक और एयरपोर्ट जैसा बनाने को हरी झंडी दिखा दी है। अब इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एस्केलेटर्स, फुट ओवर ब्रिजेस, दिव्यांगों के लिए विशेष कमरे और सीढ़ियाँ और भी बहुत सी सुविधाओं को पहुँचाया जा रहा है। 5 साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन। शिरडी का नाम सुनते ही साईं बाबा के भक्त उत्साह से भर जाते हैं। तो बाबा के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, साईं बाबा के मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर बने इस रेलवे स्टेशन को हाल ही में नया रूप दे दिया गया है। और किसी एयरपोर्ट की तरह ही आपको यहाँ हर सुविधा उपलब्ध होगी। पूरे स्टेशन पर वाईफाई और CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज और फूड प्लाजा भी बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, रेलवे स्टेशन के आसपास पेड़ों को लगाकर इसे हरा भरा भी बनाया गया है। 4 मंडुआधी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वाराणसी का मंडुआधी रेलवे स्टेशन दिखने में आपको रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लगता है। हाल ही में इसको पूरी तरह से परिवर्तित किया गया है। स्टेशन के कोने कोने पर सुंदर LED लाइट्स, AC, कॉफी रूम, फवारे और ना जाने क्या क्या बन चुका है। ये शानदार रेलवे स्टेशन वाराणसी के इस प्राचीन शहर में 4 चांद लगा रहा है।
यहाँ आने पर आपको एयरपोर्ट का पूरा आनंद मिलेगा, बस हवाई जहाज ही नहीं होगा। यात्रियों की सहूलियत का हर इंतजाम यहाँ बखूबी किया गया है। 3. हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला और फिलहाल इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। चारों तरफ साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन के कोने कोने में वाईफाई, आरामदायक प्रतीक्षा कुर्सियां और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वीडियो गेम जोन भी बनाए गए हैं। कैफे और रेस्टोरेंट तो हैं ही, साथ साथ इसका आकार भी कांच के एक विशाल गुंबद जैसा है। 2. गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के गांधीनगर में बने इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। यहाँ हर वो सुविधा होगी जो विदेशों के उन्नत रेलवे स्टेशन में होती है। साथ ही यहाँ एक 300 कमरे का 5-स्टार होटल भी बनाया जा रहा है, वो भी पूरे 77 मीटर ऊंचा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस रेलवे स्टेशन के पुनः निर्माण की आधारशिला रखी थी और इसका काम पूरा होने के बाद ये भारत ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन में गिना जाएगा। 1. बयापनाहली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आप असली एयरपोर्ट जैसा दिखने वाला रेलवे स्टेशन देखना चाहते हैं तो बेंगलोर का बयापनाहली रेलवे स्टेशन देश की सबसे अच्छी जगह है। चारों तरफ बस दो ही चीजें दिखती हैं, आधुनिकता और हरियाली। इस रेलवे स्टेशन में सारे इंतजाम इस तरह किए गए हैं कि यात्रियों को प्राकृतिक हवा और रोशनी का पूरा आनंद मिल सके। यहां आम लोगों के साथ साथ दिव्यांगों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 250 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। तभी तो इस शानदार रेलवे स्टेशन से नजर हटाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं। इनको देखने के बाद ये कहना तो बनता है, मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये आधुनिकता सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगती बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी हमारे देश की ओर आकर्षित करती है। इसलिए देश की गरीबी को मिटाने के साथ साथ देश को सुंदर और उन्नत बनाना भी जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमने देखा है रेलवे स्टेशन इतने अच्छे नहीं बने हुए और इतना उनके ऊपर वो फोकस भी नहीं किया जाता। एयरपोर्ट हमेशा से बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, तो इसलिए बताया है कि रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जैसे लग गए। और जो कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनके जिक्र इसमें हो रहा था, लेकिन जो उससे पहले वाले थे ना, वो बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी बनी हुई थी। जैसे सोलापुर वाले की इंटरेस्ट वो बहुत अच्छी बनी हुई थी और वर्किंग में मतलब रिनोवेशन की जरूरत होती है इसलिए। और ये कुछ जो नए रेलवे स्टेशन बने हैं वो बड़े डेवलप हाईटेक किस्म के बन रहे हैं। ये नई जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हर तरह की फैसिलिटीज का ख्याल रख के बनाया जा रहा है। उस हिसाब से ये लोग एयरपोर्ट से सिमिलरिटीज को कहा जा सकता है। एयर वीडियो काफ़ी मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। कुछ नई चीज़ें बल्कि काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं इसमें और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। और जहाँ तक ये बेनिफिट देंगी जो पैसेंजर्स हैं उसके अलावा ये लोगों को इस ट्रांसपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। दूसरा, जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह बन रहे हैं वो एक अच्छी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए। फैसिलिटीज़ के साथ साथ रेलवे को एक रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम सबसे बड़ा ये रेलवे ही होता है, रेलवे होता है और सबसे ज़्यादा लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। तो मतलब इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बनता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो और रेलवे के डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे जैसे लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, सारी चीज़ों बिजनेस क्रिएट होगा और लोगों के लिए एक बेनिफिशियल प्लेस होगी। स्टेशन के साथ हमेशा ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, होटल्स, मार्केट्स, ये वो सारी। तो सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है पूरा जो है ना। बाकी में एयरपोर्ट वाला पैकेज मिल रहा है अभी, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जब ये बन जाएंगे तो फिर एक और बहुत मजे की इनकी व्यू। वाराणसी और बेंगलोर फॉर मी दीज टू वर द बेस्ट। और सोलापुर के एंट्रेंस मुझे बहुत अच्छा, सोलापुर के एंट्रेंस ठीक है, बहुत अच्छा। आपका कौन सा बेस्ट है, फेवरेट रेलवे स्टेशन है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
और अगर इसके अलावा कोई मजीद अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं मिले या कोई भी अच्छी वीडियो देखी हो जो आपको लगती हो कि आपको हमें देखनी चाहिए तो हमारे साथ शेयर करें कमेंट में, आप हमें उसका लिंक दे सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें भेज सकते हैं। बाकी चैनल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।